बड़गोता पुलिस ने नकली नोट के साथ तीन संदिग्धों को पकड़ा, 20,000 किए बरामद। महू बड़गोता पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुखबिर की सूचना पर तीन संदिग्धों को पकड़ा जो कि 100-100 के नकली नोट जिसकी कुल राशि 20,000 है, कोदरिया में खपत करने के इरादे से घूम रहे थे। गुरुवार शाम एडिशनल एसपी नागेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन संदिग्ध को पकड़ा है जिनके पास 100-100 के नकली नोट बरामद किए हैं। यह तीनों संदिग्ध ग्राम कोदरिया में नोटों की खपत करने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस के द्वारा नाम पूछने पर तीनों ने अपना नाम अब्दुल वहाब, लालू पिता स्वर्गीय अब्दुल रहमान, उम्र 45 वर्ष, निवासी अहमाल मोहल्ला, व दूसरे ने अपना नाम नेहाल पिता सिमाम, उम्र 33 वर्ष, निवासी थाना हबीबगंज उज्जैन, तथा तीसरे ने अपना नाम मोहम्मद आसिक, पिता स्वर्गीय अब्दुल अजीज, उम्र 35 वर्ष, निवासी गगलिया खेड़ी बताया। एडिशनल एसपी ने बताया कि इनके तार कहीं ना कहीं उज्जैन से जुड़े हुए हैं। महू से आकाश राठौर की रिपोर्ट। नकली नोट मार्केट में 100 रुपए के नकली नोट चलाने की फिराक में घूम रहे हैं और कोदरिया क्षेत्र में काफी सक्रिय रूप से घूम रहे हैं, तो इस पे तत्काल हरकत में आते हुए थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर निकले। कोदरिया में आसपास उन्होंने तलाशी लेना शुरू करी। उन्होंने तीन संदिग्ध व्यक्ति पाए गए हैं। तीनों व्यक्तियों के पास से करीबन 6,000, 7,000 करके 20,000 के नकली नोट हमें अभी प्राप्त हुए हैं। तीनों के नाम इस प्रकार से हैं। पहला व्यक्ति है, उसका नाम अब्दुल वहाब उर्फ लालू है। दूसरा व्यक्ति है, उसका नाम निहाल है, जो कि फिलौटीपुरा थाना जीवाजीगंज उज्जैन का रहने वाला है। वहाब जो है वो महू हमाल मोहल्ले महू में रहता है। और तीसरा व्यक्ति गांगला खेड़ी का मोहम्मद आशिक है। तीनों व्यक्तियों के पास से जो हमें नकली नोट प्राप्त हुए काफ़ी उच्च क्वालिटी के हैं। इसमें अभी आगे की विवेचना हम जारी कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि इसका सोर्स कहाँ है। संभव है कि इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट शामिल हो सकता है, जिसकी हम अभी तस्दीक कर रहे हैं। उज्जैन से इसके तार जुड़े हैं, इसको हम काफ़ी गंभीरता से लेके आगे की जाँच में जो भी तथ्य आएंगे उससे आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे।